हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वाईफाई पॉइंट 2.0, जिसमें हम गाइस आपके लिए जीके जेएस से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो आज हम फ्रेंड्स आपके लिए लेकर आए हैं वर्तमान में कौन क्या से जुड़े 25 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसलिए फ्रेंड, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिलती रहे। क्योंकि फ्रेंड्स, हम ये सारे वीडियोस आपके लिए बनाते हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं एस ए बोबड़े जी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो कि आपका सही आंसर हो जाता है, जो कि हाल ही में भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप लोग को अगर कुछ भी आंसर पता हो तो आप प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, जिससे हमें पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना के प्रमुख कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एम नरवने, जो कि भारतीय थलसेना के प्रमुख हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के वायुसेना अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका आंसर हो जाएगा आर के एस भदौरिया जी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं। तो फ्रेंड्स नौसेना के अध्यक्ष जो अभी बने हैं वो उनका नाम है एडमिरल कर्मवीर सिंह, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि नौसेना के अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय तटरक्षक बल ICG के महानिदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि के नटराजन, जो कि ICG के महानिदेशक हैं, ठीक है। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BSF का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है। तो फ्रेंड्स BSF का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है SS देसवाल जी को, जो कि BSF के अतिरिक्त प्रभार दिया गया, और BSF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ITBP के महानिदेशक कौन है। तो फ्रेंड्स ITBP के जो महानिदेशक हैं उनका नाम है SS देसवाल जी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, जो कि ITBP के महानिदेशक हैं SS देसवाल जी। ओके, तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, SSB के महानिदेशक कौन बने हैं। यानी कि फ्रेंड्स जो SSB के महानिदेशक अभी हाल ही में बने उनका क्या नाम है। तो फ्रेंड्स उनका नाम है कुमार राजेश चंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRPF के नए निदेशक कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स CRPF के नए निदेशक जो हैं उनका नाम है आनंद प्रकाश महेश्वरी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि हाल ही में भारत के कानून सचिव कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स हाल ही में जो भारत के कानून सचिव बने हैं ना, वो हैं अनूप कुमार मेहंदी रत्ता जी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ओके फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के नए चेयरमैन किसे चुना गया है। यानी कि IOC के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम क्या है। तो फ्रेंड्स IOC के जो नए चेयरमैन हैं उनका नाम है GK सतीश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नालको यानी NALCO के नए CMD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर है श्रीधर पात्रा जी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, BCCI के पहले लोकपाल कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स BCCI के जो पहले लोकपाल बने हैं उनका नाम है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स इसका जो लोकपाल बने हैं वो है DK जैन, और फ्रेंड्स BCCI का फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। ओके फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में BCCI के 39वें अध्यक्ष के रूप में सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है, जो कि खुद भी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA कौन है। तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो है वो हैं ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स अजीत डोभाल।
ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उप सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? फ्रेंड्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स, इसका आंसर है दत्ता पटसलगीकर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा ना, वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम प्रकाश बिरला जी, जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, अभी जो राज्यसभा के अध्यक्ष हैं वो हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एम वेंकैया नायडू, जो कि हमारे उपराष्ट्रपति हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो फ्रेंड्स, जो अभी भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, सुनील अरोड़ा, जो कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विमल जुल्का, जो कि भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। फ्रेंड्स, चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्य सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि संजय कोठारी, जो कि भारत के मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के लेखा महानियंत्रक CGA कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोमा राय बर्मन। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि राजीव महर्षि जी, जो कि भारत के CAG हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल कौन है? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, के वेणुगोपाल। भारत के अटॉर्नी जनरल है के वेणुगोपाल, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सॉलिसिटर जनरल कौन है? फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो लाइक कीजिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुषार मेहता, जो कि भारत के सॉलिसिटर जनरल है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर कौन है? फ्रेंड्स, RBI का पूरा नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। और फ्रेंड्स, इसके जो अभी गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPSC के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, UPSC के नए अध्यक्ष हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद सक्सेना, जो कि UPSC के नए अध्यक्ष हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष कौन बने हैं? तो फ्रेंड्स, रेलवे बोर्ड के जो दोबारा से अध्यक्ष बने हैं ना, उनका नाम है फ्रेंड्स VK यादव, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि रेलवे बोर्ड के दोबारा से अध्यक्ष बनाए गए हैं। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एयर इंडिया के नए चेयरमैन कौन हैं? तो फ्रेंड्स, एयर इंडिया के नए चेयरमैन हैं राजीव बंसल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो फ्रेंड्स, प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं ए, सूर्य प्रकाश, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, जो कि प्रसार भारती के वर्तमान अध्यक्ष हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। और फ्रेंड्स, इससे बाहर आपके पास और कुछ नहीं आने वाला है, और ये सब कुछ अभी आपका करंट लेटेस्ट अपडेट है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स।